Good afternoon, students. So today we are going to start with the close test. I hope you all are ready, right? Yes, aap log sab ready hain. That's good. Okay, let's start. See, I know you all have studied close test very well, और आप लोगों ने comprehension की भी बहुत तैयारी करी हुई है. अभी आप लोगों ने ये जो mock test दिया था, so let us discuss this close test and comprehension. Is that clear? चलिए, अब आप लोग सब ready हैं. देखिए, हम थोड़ा सा revision करेंगे close test के बारे में कि exactly ये close test क्या होता है. I know you all have studied, सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है, but still हम थोड़ा सा revision करेंगे, फिर हम solve करेंगे, जिससे कि हमारे exam में हमारा time save हो जाए, and that is our main point. Okay? चलिए, so let us start with the close test. देखिए, close test basically क्या होता है? It is a comprehension passage जिसके अंदर blanks दिए हुए होते हैं. अब ये comprehension passage exactly क्या होता है? See, it is an excerpt taken from a novel. हो सकता है किसी बड़ी स्टोरी में से, और कहीं से भी एक एक्सट्रैक्ट लेकर उसमें कुछ ब्लैंक्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और आप लोगों को दे दिया जाता है. नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि हम इसको सॉल्व कैसे करें. देखिए, इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रीडिंग. इज दैट क्लियर? रीडिंग में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब हम फॉरवर्ड रीडिंग या बैकवर्ड रीडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद में एक लाइन इस तरह से दी हुई होती है कि उसका कनेक्शन उस ब्लैंक के ऑप्शन में होता है. फॉर एग्जांपल, सपोज मान लीजिए उस लाइन में लिखा है कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो हो सकता है कॉन्ग्रेचुलेशन करके कुछ वर्ड हो, कॉन्ग्रैट्स करके कुछ वर्ड हो, या कोई सेलिब्रेशन की बात हो तो सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हो. तो कभी कभी ये भी हमारे ये वर्क कर जाता है, ये काम आ जाता है हमारे लिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक और स्टेप आता है, एंड दैट इज एलिमिनेशन. ये आप लोग सब जानते हैं कि जब चार ऑप्शंस दिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनको एक एक करके ऑप्शन को जब तक हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हमको करेक्ट आंसर नहीं समझ में आएगा. चलिए, सबसे पहले हमको एलिमिनेट क्या करना है. देखिए, हमको सबसे पहले एलिमिनेट करना है जो हमारा इररेलेवेंट ऑप्शन है. मतलब ये हुआ कि वो ऑप्शन जिसका कि कोई सेंस नहीं है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, राइट. जब हमने इस वाले ऑप्शन को भी रिमूव कर लिया, अब हम अपने दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, एंड दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग. फैक्चुअली रॉन्ग में क्या होता है कि जो फैक्ट से रिलेटेड नहीं है या उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, कनेक्शन ही नहीं है, हम उस ऑप्शन को भी रिमूव कर देंगे. राइट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है आप लोग सबको? ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है ग्रामेटिकली रॉन्ग अगर कोई ऑप्शन है तो हमको उसको भी रिमूव करना है. इज दैट क्लियर? अब ग्रामेटिकली रॉन्ग मतलब टेंसेस से रिलेटेड हो सकता है आपका, राइट? है ना, टेंसेस वाली प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है कि कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाली प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज में कहीं दिक्कत हो, ठीक है, या ये हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव गलत यूज किया गया हो, कहीं पर एडवर्ब गलत हो. तो आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट से या ग्रामेटिकली कहीं पर भी गलत लगे अगर आपको, तो आपको इमीडिएटली उस ऑप्शन को पकड़ना है. चलिए, नेक्स्ट अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन जो एलिमिनेशन का पॉइंट है, एंड दैट इज रेड हेरिंग. एग्जैक्टली ये क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि चार में से दो ऑप्शन बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, देन कम्स द अदर टू ऑप्शंस. उसमें आप क्या करते हैं भाई, उसमें क्या होता है, एक तो दोनों ऐसा लगता है कि जैसे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है. दिस रेड हेरिंग इज एक्चुअली द फॉल्स क्ल्यू. यही आपका फॉल्स क्ल्यू है, और जैसे ही आप इसको कैच कर लेते हैं आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए,
हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारा रीडिंग एंड एलिमिनेशन पार्ट कवर हो चुका है. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉलोकेशंस. कॉलोकेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं? दे आर कॉम्बिनेशन वर्ड्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन वर्ड्स जैसे एडवर्स इफेक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो आपको जरा से भी कुछ और उन वर्ड के साथ लगा हुआ होगा तो इमीडिएटली योर ब्रेन विल कैच दैट. ओके, आफ्टर कॉलोकेशन कम्स नेक्स्ट योर वोकैब पार्ट. एंड फॉर वोकैब यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर, यू नीड टू वॉच न्यूज, यू नीड टू लर्न योर idioms एंड योर phrases thoroughly. ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. चलिए, सब अटेंटिव हैं? ओके, अब vocab के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज ग्रामर कॉन्सेप्ट. ग्रामर कॉन्सेप्ट इज अ डिटेल पार्ट, तो हम उसको एक बार पूरा लेंगे. ठीक है, हम उसको इधर लेते हैं एंड देन आई टीच यू कि इसमें क्या क्या हमको याद रखना है. तो ये सिर्फ आपका एक रिवीजन है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले, जिससे कि आपका कुछ भी अगर आपने जो पहले का पढ़ा हुआ है कुछ भूल गए हैं तो वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे. ये हो गए हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स. देखिए क्या है, पहली चीज आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, ए एन द, आपको मालूम है ये कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, वॉल्स के साथ यूज होता है, एंड दिस इज फॉर स्पेसिफिक यूज या कहीं पर जहां हम एम्फेसाइज करने जा रहे हैं. ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिए कि ए एन द इन सब को, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हमेशा सेंटेंस में नाउन चाहिए होता है. इज दैट क्लियर? यस, गुड आफ्टरनून राहुल, गुड. ओके, हु एल्स इज देयर? हाँ अंशुल, एंड देन ओ सो मेनी क्वेरीज. एनीवेज, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. ए एंड द क्लियर हो गया कि इनको नाउन चाहिए. उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं नाउन पर. नाउन में जहां पर हम हु, वॉट, हुम, इनके आंसर्स हमें मिलेंगे, दैट मीन्स इट इज अ नाउन. इस बात का ध्यान रखिएगा. तो सेंटेंस में आपको नाउन ढूंढ लेना है, आर्टिकल ढूंढ लेना है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग उसको फिल करते हुए चले जाएंगे. नाउन के बाद आप, आई होप प्रोनाउंस है यू ऑल नो, देयर इज नथिंग टू रिवाइज, आपको पता ही है. उसके बाद हम लोग प्रेपोजिशंस ले सकते हैं. उसमें देखिए फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, और हमारे सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, एट. तो ये तीनों पर हमको स्पेशली ध्यान रखना है, फिक्स प्रेपोजिशंस का, कि कोई और वर्ड इसके कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होता. ऐसे ही प्रेपोजिशनल फ्रेज में भी ये आपको याद ही करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. उसके बाद आ जाता है आपका एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में आपको ध्यान रखना है दैट इट एड्स ऑन टू द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. तो ध्यान रखना है कि ये करेक्ट एडजेक्टिव ही यूज हो. इसी तरह से एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है ना. एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स वर्ब की क्वालिटी को ऐड करते हैं. तो हमको एडवर्ब्स हुए, एडजेक्टिव्स हुए, इन सब का ध्यान रखना है कि ये सही जगह पर सही कॉम्बिनेशन में यूज किए गए हों. इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज ऑल क्लियर. ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. वी हैव ऑलरेडी रिवाइज व्हाट इज क्लोज टेस्ट, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हमको एलिमिनेट करना है, हाउ टू रीड द पैसेज. हम लोग सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, उसकी टोन को समझेंगे, थीम को समझेंगे. इज दैट क्लियर? यस. व्हाट यू ऑल डू, हम लोग अक्सर रीडिंग शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं,
अगर आपके पास टाइम कम है, इन दैट केस आप बस एक आइडिया लीजिए एंड देन इमीडिएटली यू कम ऑन टू द क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर योर वोकैब, आपके idioms प्रिपेयर है, ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन येस वेट, गिव टाइम टू द पैसेज, उसको अच्छे से पढ़िए, जैसे ही समझ में आएगा एंड देन वेन यू कम ऑन टू द क्वेश्चंस, इमीडिएटली आपको आंसर्स आपके रिफ्लेक्ट ब्रेन में करने लगेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट words. So let's begin with food price stabilization is a dash. Okay. The dash that inflation is largely a monetary phenomena as reflected in increase in policy interest rates by the Reserve Bank of India is debatable. Okay. अब इतना पढ़ने के बाद we can get कि this is related to some economy, कुछ food price से related है, and then immediately हमारी eyes जो है वो ये COVID-19 जैसे एक word पे आ रहा है, that means it is related to COVID, कुछ ऐसा उस दौरान हुआ COVID के time पर जिसके ऊपर ये passage based है, right? हाँ जी, okay. So this one thing is clear, theme हमको समझ में आ चुकी है। चलिए food price stabilization, भाई ये food price stabilization ये क्या होता है? Stabilization means stable, कहीं पर कोई चीज स्थिरीकरण जिसको कहते हैं, और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? Food की, जिसका की price की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो क्या है? Is a, क्या वो factor है? क्या वो phenomena है? Is it a priority? Is it right? देखिए अब हम ये चेक करेंगे, अगर ये फैक्टर है, पहले तो हम लोग ये देख रहे थे क्या है, अभी हमने इतना सारा ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, राइट? फैक्टर, चलिए ये भी नाउन है, फिनोमेना इज अ नाउन, प्रायोरिटी ये भी नाउन है, ओके, राइट, वेल ये नाउन भी हो सकता है अगर हम मॉरल की बात करें, है ना? अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकता है, ठीक है, ये वर्ब भी हो सकता है, इट कैन बी एन एडजेक्टिव, अगर हम इसको बेस्ट के फॉर्म में ले लें, राइट मीन्स बेस्ट, ठीक है, वर्ब कैसे हो सकता है अगर हम कहीं प्लेस के इसको हमने ठीक जगह पर रख दिया, तो इस तरह से अब प्रॉब्लम ये आती है कैसे एलिमिनेट करें भाई, अगर सभी हमारे चारों नाउन है तो हम कैसे समझेंगे? इन दैट केस वॉट यू नीड टू डू इज फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन इज अ, अब आप इसको पढ़िए और समझिए कि फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या है, क्या ये फैक्टर, क्या ये मानक हो सकता है किसी चीज का? नहीं। फिनोमेना, इज इट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस? नहीं है। तो चलिए हमारा ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर राइट पर, तो राइट हमने पहले बताया ये तो वर्ब की तरह से भी यूज हो रहा है और एडजेक्टिव भी है, तो इसको वैसे ही हमने क्रॉस कर, दूसरा ये कोई अधिकार नहीं है हमारा, राइट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो, तो इट इज नॉट आर राइट फॉर फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन, तो बेसिकली इट इज अ प्रायोरिटी, यानी कि अर्जेंट नीड, क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? COVID-19, उस समय क्या हुआ था? फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन वाली बात अगर हम ध्यान में रखें इस बात को कि ये उस टाइम की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी बेसिस पर है, सबसे ऊंची चीज है जो हमको पहले सोचनी है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन इज अ प्रायोरिटी। ओके चिल्ड्रन, सो इट इज क्लियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, फाइन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून, ओके लेट्स स्टार्ट, सेकंड पे आते हैं, द डैश दैट इन्फ्लेशन इज लार्जली अ मॉनेटरी फिनोमेना, इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस राइज, ठीक है ना, और ये क्या है? इज अ मॉनेटरी फिनोमेना एज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, ये क्या है? डिबेटेबल है, इस पर डिबेट की जा सकती है, तो इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट की तरह से वर्क हो रहा है, फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन इज अ प्रायोरिटी, अगर हम इसको स्टेटमेंट मान के चलते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट यानी कि ये आइडिया यहां पर फिट होना चाहिए। नाउ लेट अस कम ऑन टू दीज फोर ऑप्शंस,
अगर हम इसकी बात करें प्रीमाइसेस की, तो देखिए ये तो हमारा एरिया वाली बात हो रही है, तो ये तो यहाँ पर फिट आएगा नहीं, राइट? एविडेंस किसी तरीके का कोई सबूत भी नहीं है, अज्यूम ये किसी तरीके का कोई अजम्पशन नहीं है, ठीक है ना? और इसका मतलब क्या होता है? आइडिया. फॉर दिस यू नीड टू इम्प्रूव योर विकैप. आपको अगर आपकी विकैप स्ट्रांग है, आप इमीडिएटली कैच कर लेंगे कि जब हम आइडिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ प्रमाइस. सो द प्रमाइस दैट इन्फ्लेशन इज लार्जली अ मॉनेटरी फिनोमेना एज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डिबेटेबल. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ओके, फाइन. लेट अस कम ऑन टू ब्लैंक नंबर 3. दैट इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी ड्रिवन बाय सप्लाई चेन डिस्रप्शंस ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक इज डैश. अब क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन थी, जो प्राइस राइज था, इट कंटिन्यूज टू बी ड्रिवन बाय सप्लाई चेन डिस्रप्शन, यानी प्रोडक्शन पे, सेल पर कहीं पर कोई रुकावट आई ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक इज. क्या हुआ उस दौरान? क्या हम खाली इससे सेटिस्फाइड हो जाएं कि नोटिस्ड, तो इज नोटिस्ड हो, उसके बाद क्या हुआ? तो ये इनकम्प्लीट जा रहा है. अगर हम ये देखते हैं, ओवरलुक्ड, यस, जो जानकार लोग थे उनसे तो ओवरलुक हुआ, और जो नहीं जानते थे उनसे अपने आप अनजाने में ही ये चीज इग्नोर हो गई. दैट मीन्स बोथ सी एंड डी दे आर द करेक्ट ऑप्शंस. इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? चलिए. सो दैट इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी ड्रिवन बाय सप्लाई चेन डिस्रप्शंस ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक इज ओवरलुक्ड एंड इग्नोर्ड. Fine. Let us come on to next blank. Further disruptions in energy and fertilizer supply due to the Ukraine war and the continuing surge. Surge matlab movement, aage badhna, okay? In food prices have entrenched, matlab not likely to change. Ab yahan par koi badlav nahi hona tha. Inflationary expectations that call for decisive policy intervention. That means अब जरूरत थी कि गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करे और अपना डिसीजन ले. क्लियर? सो वॉट विल कम? ठीक है, यहां तक. अब ब्लैंक पे आते हैं. एंड डैश ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्पेसिफिकली मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन. स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट. Regulation of diversion of food supply by PDS shops to the market are dash. तो पहले हम लोग blank number 4 को देखते हैं. And अब and लगा हुआ है क्योंकि it is an article. तो obviously यहाँ U है, यहाँ O है, here it is E, here it is O. Well, any option. अब हमको उसमें समझना पड़ेगा. सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जिसकी की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो ये ओकेजन, आई थिंक दिस इज नॉट सुटेबल. यहाँ पर बात किसी ओकेजन की नहीं हो रही, किसी सेलिब्रेशन की बात नहीं हो रही है, राइट? अब हम आ जाते हैं जो हमें हटाना है, एस्टिमेट. किसी चीज का कोई एस्टिमेशन यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली हमारा ये ऑप्शन भी चला गया. अब हमारे पास क्या बचता है? या तो अंडरस्टैंडिंग होगा या फिर ओवरहॉल होगा, राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम लगा के देखते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्पेसिफिकली मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फूड सप्लाई. तो अगर हम एंड अंडरस्टैंडिंग, उससे हमारा कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा. यहां पर हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो कि इसको रिव्यू करे, राइट? तो हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन नहीं रहेगा, हमारा आंसर होगा ओवरहॉल. एंड ओवरहॉल, ओवरहॉल मतलब रिपेयरिंग, फिर से इसको पढ़ने की, समझने की, रिव्यू करने की जरूरत है. एंड ओवरहॉल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्पेसिफिकली मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फूड सप्लाई बाय पीडीएस शॉप्स टू द मार्केट आर. सो दिस इज द आंसर टू ब्लैंक नंबर 4. ओके, लेट अस सी द लास्ट ऑप्शन. अब यहां पर क्या दिया है? इंपेरेटिव, हेजिटेंट, ऑब्लिगेशन, इंप्रेसिव.
अब हमने लगा दिया एन ओवरहॉल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग हुई इस पीडीएस सिस्टम की। स्पेसिफिकली किसकी हुई? और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हुआ डाइवर्जन ऑफ फूड सप्लाई बाय पीडीएस शॉप्स टू द मार्केट। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है कि इतना सब होने के बाद एक रिक्वायरमेंट डिवेलप हो गई। तो इम्पेरेटिव इसका मतलब होता है भाई अर्जेंट, हो सकता है ये भी। हेजिटेंट ये तो सूट ही नहीं कर रहा। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का कोई मतलब ही नहीं है। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ इम्प्रेसिव का कोई सेंस नहीं बन रहा क्योंकि हमको यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए जो कि इमीडिएट, विद इमीडिएट इफेक्ट हो। तो वो क्या हुआ, अर्जेंट नीड, यानी कि यहाँ पर अर्जेंट इम्पेरेटिव वर्ड आएगा। तो एन ओवरऑल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्पेसिफिकली मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फूड सप्लाई बाय पीडीएस शॉप्स टू द मार्केट आर इम्पेरेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, यस, एनी डाउट्स? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलिए, दैट्स गुड। ओके, लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्लोज टेस्ट इज ओवर और अब हम आ गए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इफ आई से देर आर टू वेज। एक तो ये होता है कि आप पैसेज को पढ़िए, यू रीड द एंटायर पैसेज, ठीक है, एंड देन यू कम ऑन टू द क्वेश्चंस। और आपके पास टाइम है, री रीड द पैसेज एंड देन इमीडिएटली कीप ऑन सॉल्विंग, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है दैट इज गोइंग टू हिट योर ब्रेन। ओके, दूसरा क्या है तरीका कि आप पहले इसकी एक थीम ले लीजिए, लेट्स डू इट इन दैट मैनर ऑल्सो, और फिर हम लोग रीड भी करेंगे, ठीक है। एंजाइटीज ओवर लॉस ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टेटस अमंग द मिडिल क्लासेस आर गेनिंग ग्राउंड इन मेनी कंट्रीज, पर्टिकुलरली वेयर सम फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन इज इन प्लेस। एफर्मेटिव मीन्स सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्शन इज टेकिंग प्लेस। और हो क्या रहा है यहाँ पर, एंजाइटीज हो रही है, सोशल एंजाइटीज, कल्चरल एंजाइटी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ फियर, ठीक है ना, किसी तरीके का डर, किसी तरह की चिंता, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और सोशल एंजाइटीज लाइक बुलिंग एंड ऑल, कल्चरल एंजाइटी, हमारे कल्चर डिफरेंट होते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये इंसान को परेशान कर देती हैं। ओके, इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंस्टेंस द गेन्स ब्रॉट अबाउट बाय एफर्मेटिव एक्शन फॉर ब्लैक अमेरिकन्स रिसीव्ड व्हाइट बैकलैश और व्हाइट रेज। अब क्या हुआ, ये जो ब्लैक अमेरिकन्स ने रिसीव किया, वो क्या रिसीव किया, व्हाइट बैकलैश। बैकलैश मीन्स ये पलट के आया, दैट मीन्स एफर्मेटिव हुआ यहाँ पर, कुछ उनके लिए हुआ, और जो रिटर्न मिला दैट वॉज समथिंग नेगेटिव। अभी हम बस इतनी ही बात समझेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, लेट अस कम ऑन टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट बैकलैश। यही हमने देखे, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है, वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली, इसीलिए मैंने कहा कि चार पांच लाइन पहले हमको रीड कर लेनी चाहिए एंड इमीडिएटली वी गेट टू नो, ठीक है। और अभी हम लोग बहुत पैसेजेस करेंगे, एवरीडे वी विल बी डूइंग, ठीक। तो यू विल लर्न बोथ द वेज, कि पूरा पढ़कर अगर आपके पास टाइम है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, कहीं पर यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इन दैट केस यू गो थ्रू 3-4 लाइन्स, गेट एन आइडिया ऑफ द पैसेज एंड देन कि थीम उसकी क्या है एंड वॉट काइंड ऑफ टोन इज इट हैविंग। कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं एंड बाय नाउ ये हमारा शार्प हो जाता है, ठीक है ना। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ बट नेचुरल कि ये चीज़ हमारा ब्रेन थोड़ा शार्प होता है ना, इमीडिएटली इट कैचेस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट बैकलैश। तो जब मैंने यहाँ पर ये बोला कि कुछ एफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन हुआ ब्लैक अमेरिकन्स, लेकिन उन्होंने रिसीव क्या किया, ऑब्वियसली उन्होंने रिसीव कुछ नेगेटिव किया, तो व्हाइट बैकलैश में क्या आ जाएगा, कुछ नेगेटिव है। चलिए पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी डोमिनेटिंग द सोसाइटी, क्या ये है। एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर, डिफरेंसेस इन हिस्ट्रीज ऑफ कास्ट एंड रेस, नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ सम व्हाइट पीपल टू द रेशियल प्रोग्रेस ऑफ अदर एथनिक ग्रुप्स। गॉट इट? देखिए कितनी जल्दी समझ में आया, जब हम नेगेटिव की बार बार बात कर रहे हैं, इमीडिएटली यू सी दिस वर्ड, इसको तुरंत पॉइंट करो नेगेटिव, फिर पूरा पढ़ो और समझो कि एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे थे, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? ओके,
चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्ट गिवन इन बोल्ड एज पर इट्स यूसेज इन द सेंटेंस. तो अभी तो जस्ट यहां तक तो आया नहीं था, तो लेट अस गो बैक ऑन टू द पैसेज. हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं, हमने यहां तक पढ़ लिया था. सिमिलर हैज बीन द एंटी रिजर्वेशन विट्रियल दैट कल्मिनेटेड. सिमिलर, देखिए यहां पर वर्ड यूज किया गया सिमिलर, मतलब ऐसा ही कुछ हुआ था. कहां? एंटी रिजर्वेशन विट्रियल. जब हम एंटी की बात कर रहे हैं यहां पर कुछ, दैट मीन्स यहां पर कुछ बिटर हुआ है, समझ रहे हैं आप? समथिंग बिटर, ठीक है? तो इतना हमें समझ में आ रहा है, एंटी रिजर्वेशन है यहां पर, कुछ ना कुछ तो अगेंस्ट चीज गई होगी. तो विट्रियल से इतना समझ सकते हैं कि ये किसी तरीके का क्रिटिसिज्म सॉर्ट ऑफ रहा होगा. That culminated, वो किस में खत्म हुआ? In introducing the EWS quota in India. ये EWS क्या है? Economically weaker society. ठीक है? Notwithstanding means in spite of the differences in histories of caste and race, both continue to be durable institutions of inequality. They are talking about caste and creed. While the legacies of these institutions, legacies मतलब जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीजें, ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इनकमेंसरेबल. अब इनमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा. ओके, टू ईच अदर इट इज इमेजरेबल, राइट? द कॉल फॉर कलर ब्लाइंड पॉलिसीज हैज स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज विद द डिबेट ऑन कास्ट न्यूट्रल पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया. तो कलर ब्लाइंड पॉलिसीज आ गई, मीन्स जिसमें कि कास्ट का क्रीड का कोई भी अंतर नहीं था एंड पीपल वर ऑल इक्वल फॉर देम, उनको कलर ब्लाइंड पॉलिसीज कहा गया. ठीक है? मोर रिसेंटली विद डोनाल्ड ट्रंप कमिंग टू पावर, द यूएस हैज अटेम्प्टेड टू पुट अ होल्ड ऑन एफर्मेटिव एक्शन. यहां तक बात समझ में आई कि उन्होंने आकर उसको रोक लगा दी. द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय जो बाइडन हैज नॉट ऑल्टर्ड सच रिवर्सल्स ईदर. सो द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन एनी सोसाइटी इज अ पॉलिटिकल चॉइस. तो जब इनइक्वालिटी होती है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन political choice. Focusing on the past two centuries, Thomas Piketty, he is a French economist. History of the distribution of wealth has always been deeply political. And he is working in international inequality institution. Being a French economist, he says that history of the distribution of wealth has always been deeply political. Ye sab पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि किस कौन कितना पैसे वाला है, किसको कितनी वेल्थ है. एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू प्योरली इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स. अ जस्ट सोसाइटी, देखिए वर्ड अब यहाँ आया, अ जस्ट सोसाइटी रिक्वायर्स क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कॉम्पिटिटिव. तो जब हमें कॉम्पिटिटिव वाली फील्ड चाहिए, ऐसी सोसाइटी चाहिए, ऑल्टरिंग द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ, यानी कि वहाँ चेंजेस चाहिए कि जो पहले से लोग वेल्थ को इनहेरिट कर रहे थे उसमें बदलाव चाहिए. एंड कास्ट दैट ब्लॉक अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ चॉइसेस, लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. जब इसमें बदलाव चाहिए, दैट मीन्स हमें कैसी सोसाइटी चाहिए? जस्ट. तो जस्ट का क्या मतलब निकल के आया इस सबसे? मीन्स फेयर, राइट? तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है. इमीडिएट ये तो नहीं होगा, इनइक्वल भी नहीं होगा, प्योर भी नहीं होगा. ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया, दैट मीन द करेक्ट आंसर इज बी. सो दिस इज क्लियर. ओके, अब हमने देखिए एंटायर पैसेज वी हैव डिस्कस्ड. तो अब हमको ये बहुत जल्दी पता चलेगा क्यों. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पूरा पैसेज क्यों डिस्कस कर रही थी, क्योंकि देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दैट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो द पैसेज. आपको जब तक थीम नहीं पता होगी आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? वरना देखिए एक एक मार्क्स इसी में चला जाता है एंड इट विल हार्डली टेक टाइम. अभी क्योंकि पहला हमारा क्लास है और हम लोग इस तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेजुअली ये स्पीड और फास्ट होती जाएगी आपकी भी, और हम लोग भी इसको और जल्दी डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. इंट्रोडक्शन ऑफ EWS कोटा वॉज वेलकम बाय मासेस ऑफ इंडिया. अब देखिए जैसे ही हमने पहला ऑप्शन पढ़ा हमारे दिमाग में क्या आएगा,
हमने अभी यहाँ पर EWS कोटा की बात करी थी और ये कहा था, इसका कंपैरिजन इस बात से किया गया कि जब ब्लैक अमेरिकन्स को वाइट बैकलैश मिला था, समझ रहे ना, इसका मतलब उनको भी नेगेटिव रिस्पांस मिला, ऑब्वियसली फिर EWS कोटा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको भी नेगेटिव रिस्पांस ही मिला था, तो इट वॉज नॉट वेलकम्ड, आप समझ रहे हैं, इट वॉज नॉट वेलकम्ड, ओके। तो वैसे तो देखिए यही आंसर होगा, फिर भी अभी हम और ऑप्शंस पढ़ेंगे। एफर्मेटिव एक्शन हैज बीन टेकन प्लेस इन USA एंड इंडिया अगेंस्ट रेसिज्म, ये तो ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आंसर जो है दैट इज ए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ विट्रियल। अभी हमने विट्रियल यहाँ पर डिस्कस किया था और हमने बात करी थी एक बिटरनेस की, क्रिटिसिज्म की, कि जब हम एंटी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको सारी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, ठीक है ना। तो उसमें अब चलिए आ जाते हैं चार वर्ड्स पे। फर्स्ट ऑप्शन है पार्सिमोनी, सेकेंड इज प्रोटेस्ट, थर्ड इज एक्रीमोनी एंड फोर्थ इज हार्मनी। इफ यू टॉक अबाउट दिस MONY, देखिए इसका मतलब होता है बेसिकली काइंड ऑफ एक्शन या किसी तरीके का मूवमेंट, राइट। तो ये बातें तो हमारे को क्लियर हो रही हैं इन तीन से। हार्मनी वी ऑल नो, भाई ये तो पीस है, ठीक है ना, तो पीस का तो मतलब ही नहीं है जब हम बिटरनेस की बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। पार्सिमनी क्या होगा, पार इट मीन्स माइजर, अनविलिंगनेस किसी इंसान की जो कुछ चाह ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट जैसे तो कोई बात ही नहीं है उसमें, खैर वो भी गलत हो गया। हार्मनी भी नहीं है, क्या बचा, एक्रीमनी, क्यों, क्योंकि एक्री मीन्स सार, तो बात वही आ गई ना बिटरनेस की, सारनेस हो गई, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, विट्रियल मीन्स एक्रीमनी। आई होप आई एम क्लियर, हाँ जी आप लोग को समझ में आ रहा है सब, चलिए ठीक, गुड, राइट। देखिए अब ये हमारा नेक्स्ट पैसेज है, इस पैसेज को हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर जहां जरूरत होगी तो हम इसको भी पूरा पढ़ेंगे, और जरूरत अगर नहीं हुई देन वी विल सॉल्व विद द कीवर्ड्स, हम कीवर्ड्स वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नो डाउट इट इज टाइम सेविंग, ये टाइम सेविंग है, बट वही बात है कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं, आई मीन यू शुड बी थ्रू विद एवरीथिंग, ठीक है। हमारा बेसिक इंटरेस्ट ये है कि आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने चाहिए एंड यू शुड गेट थ्रू योर एग्जाम, दैट्स इट। आप चाहे एंटायर पैसेज पढ़ के आए या आप कीवर्ड से रिलेट कर लें, अगर आपको लगता है आपको सारे आंसर्स मिल रहे हैं खाली दो तीन लाइन पढ़ के, वेल एंड गुड, फाइन। पहले तो अब ये देखते हैं कि ये पैसेज एग्जैक्टली किस बात पर है। द कॉमेंट्स बाय ईरान्स अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मुंजारी दैट द इस्लामिक रिपब्लिक हैड डिसबैंडेड इट्स इनफेमस मोरालिटी पुलिस आफ्टर मंथ्स लॉन्ग प्रोटेस्ट सजेस्ट दैट द रेजिम इज फाइनली विलिंग टू मेक कंसेशंस। यहाँ तक तो हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया, ये समझ में आ रहा है बस इतना कि ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कुछ इस्लामिक रिपब्लिक को डिसबैंड किया था, रोका था, और वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस को, जो वहाँ की इस्लामिक पुलिस थी उसको, ठीक है। और अब जो वहाँ की रजी, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, कुछ कंसेशन का मतलब ये हो रहा है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब कैसे उसको रिव्यू करें जो उन्होंने लॉज बनाई थी और कैसे उन पर दोबारा से चेंज करें उसको। द लेटेस्ट स्पेल ऑफ प्रोटेस्ट began in September after the death of Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish Iranian woman. अब बात समझ में आ रही है कि ये जो केस हुआ था ईरान में ये उसी पर बेस्ड है। So now we have got an idea कि ये क्या exactly है। Let us come on to the questions. Why was Mahsa Amini taken into custody by Iran police? Okay, so Mahsa Amini अभी हमने यहाँ देखा यहाँ पर है, चलिए क्यों लेके गई थी, who was in the custody of the morality police for wearing the हिजाब इम्प्रॉपरली। इमीडिएटली देखिए इसमें आंसर है फॉर वेयरिंग द हिजाब इम्प्रॉपरली। हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमने तीन लाइन पढ़ी और तीन लाइन में हमको आइडिया लग गया कि हमारा आंसर ये है। तो ये तो आप कीवर्ड से, आपने
थीम का आइडिया लिया, तीन चार लाइन पढ़ के, एंड देन इमीडिएटली यू गॉट टू नो कि हमारा ये कीवर्ड वहां से हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी और वहां पर भी है, वी गॉट दैट आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. What was the major cause of protests being started by people? अभी हमने ये protest word देखे यहाँ पर पढ़ा था. Latest wave of protests began in September after the death of Mahsa Amini, a 22-year-old. देखे ना, the death of a immediately you got the answer. हमारा इसमें भी time waste नहीं हुआ. Is that clear? So the death of a 22-year-old Kurdish Iranian female. Okay, चलिए. हाँ, कोई doubt? ओके, चलिए. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द आउटकम आफ्टर द प्रोटेस्ट्स. जब यहां पर प्रोटेस्ट हो गया, लेटेस्ट पहला प्रोटेस्ट बिगेन इन सितंबर आफ्टर द डेथ, हु वाज इन द कस्टडी ऑफ द मोरालिटी पुलिस फॉर वेयरिंग द हिजाब. थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग यंगस्टर्स मोस्टली विमेन took to the streets demanding an end to the mandatory hijab rules and calling for other reforms. The regime used repression and propaganda to bring the situation under control. Hundreds have been killed while pro-government कौन से लोग हुए जो government के फॉर में थे, उनके साथ थे. सेक्शंस हैव ब्लेम फॉरेन हैंड्स. उनका कहना था कि इस सब को करने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व है. ओके, but none of this has helped restore order. It was against this background that Mr. Munzari said the morality police had been abolished. So, ek to abolition of morality police hua, uske baad kya hua, and that the regime was reviewing the hijab rules. So, yani ki yahan par regime to review the hijab rules. Hamara A bhi correct hai aur C bhi. That means this D part is correct. Both A and B. ओके, सो दिस इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ईरान सिस्टम इज. चलिए, यहां पर अभी हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, हिजाब रूल्स तक देखा था ना, कि उन्होंने रिव्यू कर रहे हो. ओके, अ बिगर क्वेश्चन. सॉरी, यहां से इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट मिस्टर मंजारी सेड the morality police had been abolished and that the regime was reviewing the hijab rules. There is still no official announcement and the protesters remain cautious, but the authorities have not dismissed Mr. Munzari's comments either. A bigger question, however, is whether this would be enough to placate the protesters. Placate means unko shant, kya unka gussa kam ho jayega is sab se. Iran's थेक्रेटिक सिस्टम इज यूनिक इन बोथ इट्स सब्सटेंस. देखिए यहाँ पर बताया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड इज द आंसर. ये कैसा सिस्टम होता है? ये सिस्टम होता है जहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं, क्लर्जी, दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट में ये लोग एक हाई पोस्ट पर होते हैं, जो हमारे चर्च वगैरह के होते हैं, और ये रिचुअल्स भी करते हैं, द वे आर पुरोहित्स टू. ओके, अभी इसका काम आएगा, इसीलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया कि यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इट इज. ठीक है, हो सकता है इस तरह का पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए. सी, सॉल्विंग दीज मॉक पेपर्स इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग योर विकैप ऑल्सो. यू आर लर्निंग समथिंग और द अदर. फाइन, इज यूनिक इन बोथ इट्स सब्सटेंस. सो दिस क्वेश्चन इज ओवर, दिस इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म क्लर्जी. देखिए, यही मैंने अभी आपको बताया था, इजंट इट, the body of people ordained for religious duty. ये तो ऐसे ही मिल गया क्योंकि इनका वर्क ही ये होता है, इसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं था. ठीक है, ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट पैसेज. कोई डाउट आप लोगों को? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेट्स मूव. हाँ, अर्बिल इराक, आई वॉज सो डेस्परेट आई हैड लॉस्ट होप. कमिटिंग सुसाइड सीम द ओनली एस्केप फ्रॉम द अब्यूज बैक देन, फातिमा सेड इन एन इंटरव्यू अर्लियर दिस मंथ.
I did not know how to handle the pain. A mother of 8, Fatima has been married for about 2 decades. For the first 9 years of marriage, my husband was kind and loving, she told United Nations Fund for Population Activities. It is this. Okay. So basically, this is a story about a lady who was interviewed. ठीक है, लेट अस कम ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें कुछ आइडिया लग गया स्टोरी का, किसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था. शी इज़ अ मदर, ठीक है, एक 8 साल की बच्ची है और उसका हस्बैंड बहुत काइंड एंड लविंग था. ऐसा उसने ये यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ करके कोई एक ग्रुप था, एजेंसी थी, उसको उन्होंने बताया सब कुछ. वी यूज टू गो आउट, लाफ टुगेदर एंड डू एक्टिविटीज एज अ कपल. चलिए, व्हेन डिड फातिमाज लाइफ टर्न अपसाइड डाउन. अब हमको इसको लाने के लिए पहले थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा. यहाँ देखिए, हाउएवर आवर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन आफ्टर वी हैड अ फॉलिंग आउट. फॉलिंग आउट मतलब झगड़ा होना, क्वारल होना, ठीक है, विद हिज ब्रदर. फातिमाज ब्रदर इन लॉ वॉन्टेड हर एंड हर हस्बैंड टू वेकेट द हाउस दे वर रेंटिंग फ्रॉम हिम. ब्रदर इन लॉ वॉन्टेड दैट दे शुड लीव दैट हाउस, वो उस घर को छोड़ के चले जाए. तो इनकी लाइफ फातिमा की कब अपसाइड डाउन हो गई? आफ्टर बींग बीटन बाय हर हस्बैंड? नो. फातिमा एंड हर हस्बैंड्स फॉलिंग आउट विद हस्बैंड्स ब्रदर. ठीक है, तो फिर सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई डाउट नहीं, इमीडिएटली समझ में आ गया. When was Fatima happy? देखिए, happy word, happy से ढूंढिए, यहाँ पर happy है. आपको और जल्दी करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ये happy वाला keyword देखा और देखिए यहाँ पर हम आते, लेकिन read तो आपको करना ही पड़ेगा ना वहाँ तक आने के लिए भी, क्योंकि हम तो उसको पकड़ लेंगे तुरंत, बट आप लोगों को उतनी practice होनी चाहिए. Fatima's brother-in-law wanted her and her husband to vacate the house they were renting from him. The dispute grew heated and the brother-in-law berated her, scolded her, calling upon a woman with no honor. उसको ये भी बोला उसने. He even threw her out of the house, although she later returned. After that, her relationship with husband changed. He became abusive. She said, "I never expected that my loving husband could lay a hand on me." Lay a hand means that he will take control over me. It took one disagreement with his family to destroy the beautiful nest we had built together. Not long after she became pregnant, I was happy. We got this answer. To have another child. So this is the, when was Fatima happy? When she was about to have another baby. Fine. Next question. Who said Fatima is a woman with नो ऑनर. ये देखिए, अभी हमने पैसेज रीड किया था, हमने इसीलिए ज्यादा रीड किया जैसे कि आपको बाकी आगे के क्वेश्चन एक ही बार में मिल जाए, हर बार पैसेज को रीड ना करना पड़े. ठीक है, ओके. सो हु सेड फातिमा इज अ वुमन विद नो ऑनर? सो हर ब्रदर इन लॉ. इज दैट क्लियर? ओके अभिनव, I still remember the time you taught us. Oh my God, you still remember that? Good. Nice to see you, Abhinav. Chaliye, hum log padhte hain, fir aage badhte hain. So this is over, this question. Find the error in the bold statement. Dekhiye, abhi humne ye bold statement padha tha. He even threw her out of the house, although she later returned. Find the error in the bold statement. Do you find any kind of error in this? किसी को लग रहा है? I don't think so. अगर ऐसा होता तो हम लोग पढ़ते समय इसको immediately realize करते, isn't it? ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, it is absolutely correct. He even threw, यहाँ पर भी ये tense बिल्कुल ठीक use किया गया है. Out of the house, ठीक है. Although लगाया गया है, यही लगेगा. She later returned. कहीं grammatically भी कुछ गलत नहीं है. That means no error. So this was the last question. Any doubt? हाँ, कोई और doubt है आप लोगों को? Okay.